हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इटोरिकॉक्सिब टेबलेट की पूरी जानकारी। इटोरिकॉक्सिब टेबलेट NSAID क्लास की ड्रग होती है और ये दर्द निवारक यानी पेन किलर दवाई होती है। तो इसकी आज पूरी जानकारी देखेंगे कि इसके क्या उपयोग हैं, कितना डोज दिया जाता है और इसका काम करने का तरीका क्या है, क्या साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं और किस अदर दवाई के साथ इसको हमें नहीं लेना है, क्या कंट्राइंडिकेशन है। तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इसी तरह की वीडियो आते रहें, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। इटोरिकॉक्सिब टेबलेट के कुछ उपयोग देखते हैं। इटोरिकॉक्सिब टेबलेट का उपयोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में किया जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस में, अगर गाउट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मांसपेशियों का दर्द है, गर्दन का दर्द है, पैरों का दर्द है और घुटनों का दर्द है, तो इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये दर्द निवारक या पेन किलर दवाई होती है जो कि NSAID क्लास की ड्रग होती है, यानी कि नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की दवाई होती है। इटोरिकॉक्सिब टेबलेट के काम करने का तरीका देख लेते हैं, यानी ये किस तरह से काम करती है। तो फ्रेंड्स, जो इटोरिकॉक्सिब दवाई है ये नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की दवाई होती है, और इसका काम होता है कि ये साइक्लोऑक्सीजनेस 2 एंजाइम जो होता है उसको ब्लॉक कर देती है, यानी कॉक्स 2 जो हमें इमेज में दिखाई दे रहा है, कॉक्स 2 एंजाइम को ये ब्लॉक कर देती है, जिसके आगे प्रोस्टाग्लैंडिन की रिलीज रुक जाती है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो इन्फ्लामेशन और पेन का कारण बनता है, तो इस तरह से कॉक्स 2 एंजाइम के को ब्लॉक कर देती है और पेन इन्फ्लामेशन से बचाती है। इटोरिकॉक्सिब टेबलेट के कुछ ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ कुछ ब्रांड नेम बताए हैं, इसके बाद आपके एरिया के हिसाब से कुछ और भी फेमस ब्रांड नेम हो सकते हैं। ये जो दवाई है इटोरिकॉक्सिब, इसमें मेन सॉल्ट इटोरिकॉक्सिब है जो कि मेन दवाई होती है। इसके बाद जो कंपनियां अलग अलग नामों से बनाती हैं वो ब्रांड नेम होते हैं कंपनियों के। तो मैंने यहाँ इटोरिकॉक्सिब दवाई के कुछ फेमस ब्रांड नेम बताए हैं, जैसे इटोबोन 90 है, इरोमिट 90 है, रविजा 60 है, इटोजोक्स 90 जो कि सिप्ला कंपनी बनाती है, बाइकॉक्सिब 90, अर्कोनिक्स 90, ये इसके ब्रांड नेम है। इटोरिकॉक्सिब टेबलेट को किस तरह से लेना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये जो टेबलेट है इसको पानी के साथ स्वेलो करना है, यानी कि निगलना है। इस टेबलेट को खाने के साथ और खाने के पहले भी लिया जा सकता है। अगर खाने के पहले इसको लेते हैं विथाउट फूड, तो ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है। इटोरिकॉक्सिब टेबलेट के डोज की बात कर लेते हैं। अगर इसके डोज स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 30 mg, 60 mg, 90 mg और 120 mg में अवेलेबल होती है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए 30 mg की टेबलेट दी जाती है, जो कि दिन में एक बार लेनी होती है। ज़रूरत के हिसाब से इसका डोज बढ़ाया भी जा सकता है, ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो 30 mg से लेकर 60 mg भी बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और स्पॉन्डिलाइटिस है, तो इसके लिए डोज 60 mg की टेबलेट दी जाती है, जो कि दिन में एक बार लेना होता है। इसका डोज भी बढ़ाया जा सकता है, जो कि 90 mg भी दिया जा सकता है। इसके बाद है, अगर बात करें गाउट की, तो गाउट के लिए अगर टेबलेट दी जा रही है तो इसका शॉर्ट कोर्स दिया जाता है 8 दिन के लिए, जिसमें 120 mg की टेबलेट दी जाती है, जिसको डेली एक टेबलेट लेना होता है। इटोरिकॉक्सिब टेबलेट के अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं वो है फ्लू होना, स्टमक इंडाइजेशन होना, स्टमक पेन होना, डायरिया, पेरिफेरल एडिमा, कमजोरी आना, थकान लगना, नोज़िया होना, BP बढ़ जाना, सांस लेने में तकलीफ़ होना और हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पर, जो मदर हैं उनके लिए ये टेबलेट का लेना ठीक है या नहीं। तो अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन पर है, अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं,
तो ऐसी मदर इस टेबलेट को लेने से पहले इसके जो कॉम्प्लिकेशन है और बेनिफिट्स हैं उसके बारे में ज़रूर बात करें। ये डिपेंड करता है उनकी हेल्थ कंडीशन पर। अगर डॉक्टर कोई सेफ़ अल्टरनेटिव दे सकते हैं तो आप ज़रूर बात कीजिए। ये जो टेबलेट है वो ब्रेस्ट मिल्क में पास हो जाती है और सीरियस साइड इफ़ेक्ट आपकी इन्फेंट्स में या बच्चे में कर सकती है, तो इसलिए आपको आपके डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। अब इसके कुछ ड्रग इंटरेक्शन देख लेते हैं। तो इटोरिकॉक्सी जो टेबलेट होती है वो अमीकासिन टेबलेट और अमीलोराइड टेबलेट के साथ लेने से बचना है, क्योंकि ये अमीलोराइड के साथ लेने से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और अमीकासिन के साथ अगर आप लेते हैं तो रीनल फेलर के चांस बढ़ सकते हैं। कुछ सावधानियां देख लेते हैं जो हमें बरतनी चाहिए इटोरिकॉक्सी लेने के पहले। तो अगर आपको डॉक्टर ने इटोरिकॉक्सी टेबलेट प्रिस्क्राइब की है तो आपके डॉक्टर को आप पहले ही बता दें अगर आपको इसके इंग्रेडिएंट्स से या इस टेबलेट से किसी तरह की एलर्जी है या हाइपर सेंसिटिविटी है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके बाद कुछ मेडिकल हिस्ट्री रही है जैसे अस्थमा है, एलर्जिक डिसऑर्डर है, स्टमक पेन है, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसऑर्डर है या अदर हार्ट कंडीशन है तो आपके डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। दवाइयों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर दवाइयों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।